Good morning, all dear students. Today we will be discuss a new chapter of research methodology and introduction. Research methodology and introduction, part of research methodology and statistical techniques. All students are requested to note the important note of this content and watch video at the end. Let's start today lecture. Shodh Parichay. Shodh Paddhati ka ek parichay. Jo shodh karye किया जाता है उसकी पद्धति क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, इसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे. शोध पद्धति एक परिचय. सर्वेक्षण का सामान्य भाषा में अर्थ किसी भी घटना अथवा स्थिति के संबंध में स्वयं देखकर कुछ जानकारी प्राप्त करने से लिया जाता है. सर्वेक्षण का अगर हम सामान्य भाषा में अर्थ ले तो किसी भी घटना अथवा स्थिति के संबंध में स्वयं देखकर कुछ जानकारी प्राप्त करने से लिया जाता है. समस्या चाहे अर्थशास्त्र की हो अथवा समाजशास्त्र की हो या राजनीतिक हो या दैनिक जीवन, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु सर्वेक्षण पद्धति का सहारा लिया जाता है. सर्वेक्षण अथवा परीक्षण करना एवं फिर शोध करना हमारे जीवन के अभिन्न अंग बन चुके हैं. सर्वेक्षण अथवा परीक्षण करना एवं फिर शोध करना हमारे जीवन के अभिन्न अंग बन चुके हैं. नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए गए किसी भी व्यवस्थित प्रयास को हम शोध अथवा अनुसंधान कहते हैं. नवीन ज्ञान की प्राप्ति, नवी जानकारी की प्राप्ति के लिए हम किसी व्यवस्थित प्रयास करते हैं तो उसे हम शोध या अनुसंधान कहते हैं. Any systematic effort to gain new knowledge is called research. यानी नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए गए किसी भी व्यवस्थित प्रयास को हम शोध अथवा अनुसंधान कहते हैं. यानी any systematic effort to gain new knowledge is called research. अनुसंधान कार्य में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है तो इसे हम सांख्यिकीय अनुसंधान कहते हैं या सांख्यिकीय अनुसंधान कहा जाता है. इसी परिप्रेक्ष्य में किसी भी समस्या के व्यवस्थित विधि उद्देश्य से हल करने के प्रयत्न को हम अनुसंधान कह सकते हैं. यानी इसी परिप्रेक्ष्य में किसी भी समस्या के व्यवस्थित विधि उद्देश्य से हल करने के प्रयत्न को हम अनुसंधान कह सकते हैं. दूसरे शब्दों में अनुसंधान का अर्थ समस्या को स्पष्ट कर उससे संबंधित तथ्यों का संकलन करना, उनका समालोचनात्मक दृष्टिकोण से विवेचन करना तो फिर उनके आधार पर निर्णय पर पहुंचना, ये है अनुसंधान की परिभाषा. यानी समस्या को स्पष्ट करने कर उससे संबंधित तथ्यों का संकलन करना, उनका समालोचनात्मक दृष्टिकोण से विवेचन करना और फिर उनके आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचना.
आफ्टर क्लियर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम कलेक्टिंग रिलेवेंट डाटा देन एनालाइजिंग देम क्रिटिकल एंड रीचिंग टू सम कंक्लूजन इज कॉल्ड रिसर्च। किसी भी ज्ञान की शाखा में नवीन तथ्यों की खोज के लिए सावधानीपूर्वक किए गए अन्वेषण या जांच पड़ताल को अनुसंधान की संज्ञा दी जाती है। शोध एक वैज्ञानिक योजना है जिसका उद्देश्य तथ्यों का क्रमबद्ध तथा उनके संबंधों का विश्लेषण कर स्वाभाविक नियमों का प्रतिपादन करना है। किसी भी ज्ञान की नवीन शाखा में नए तथ्यों की खोज के लिए सावधानीपूर्वक किए गए अन्वेषण या जांच पड़ताल को अनुसंधान की संज्ञा दी जाती है। शोध एक वैज्ञानिक योजना है जिसका उद्देश्य तथ्यों को क्रमबद्ध तथा उनके संबंधों का विश्लेषण कर स्वाभाविक नियमों का प्रतिपादन करना होता है। रिसर्च इज ए साइंटिफिक प्लान हुज ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप नेचुरल लॉ आफ्टर एनालाइजिंग द रेगुलरिटी ऑफ फैक्ट्स रिलेशन अमंग देम। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर निम्न प्रकार के निष्कर्ष, अभी जो हमने अनुसंधान के बारे में बातचीत की, शोध के बारे में बातचीत की और परिभाषाओं का अध्ययन किया, और उन परिभाषाओं के अध्ययन के आधार पर अगर हम विश्लेषण करें, निष्कर्ष निकालें, तो हम निम्न प्रकार के जो निष्कर्ष हैं इस पर पहुंच सकते हैं कि शोध एक वैज्ञानिक योजना है, शोध में क्रमबद्ध विधियों का प्रयोग किया जाता है, शोध द्वारा नवीन ज्ञान का प्रतिपादन किया जाता है, यानी शोध है वो एक वैज्ञानिक योजना है जिसमें सिस्टमेटिक ढंग से कार्य किया जाता है, और शोध जो कार्य है वो क्रमबद्ध विधियों का प्रयोग किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप इसमें चला जाता है, और शोध के द्वारा हम नवीन ज्ञान का प्रतिपादन करते हैं। शोध के माध्यम से हम नवीन ज्ञान का आविष्कार करते हैं, और इसी आधार पर शोध के प्रकार की बात करें तो शोध है वो खुद को मूल रूप से दो भागों में विभाजित करता है, या उसको दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं, जिसमें अप्लाइड रिसर्च यानी व्यवहारिक शोध, और सेकंड जो है विशुद्ध और आधारभूत शोध, प्योर और फंडामेंटल रिसर्च, विशुद्ध और आधारभूत शोध। व्यवहारिक शोध, व्यवहारिक शोध से अर्थ किसी भी उत्पन्न परिस्थिति अथवा समस्या के लिए अनुसंधान करना। कोई भी समस्या है तो जो समस्या उत्पन्न हो गई है उसके संबंध में उसके हल निकालने के लिए अनुसंधान करना। व्यवहारिक शोध सामान्यतः एक विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसके अंतर्गत विशुद्ध शोध के परिणामों व सिद्धांतों को व्यवहारिक बनाने का प्रयत्न किया जाता है। व्यवहारिक शोध सामान्यतः एक विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसके अंतर्गत विशुद्ध शोध के परिणामों व सिद्धांतों को व्यवहारिक बनाने का प्रयत्न किया जाता है। व्यवहारिक शोध में निम्नलिखित बातों का समावेश किया जाता है, यानी नए तथ्य प्रदान कर
पूर्ण रूपेण अध्ययन के लिए सामग्री एकत्रित करना, क्षेत्र विशेष के समस्याओं के बारे में हल प्राप्त करने का प्रयत्न करना, विशुद्ध अनुसंधान हेतु नई समस्याओं व तथ्य प्रदान करना, वर्तमान में समाज में व्याप्त अवधारणाओं को नए परिप्रेक्ष्य में उनको नया रूप प्रदान करना, नया परिप्रेक्ष्य प्रदान करना। सेकंड जो है वो है विशुद्ध या आधारभूत शोध। जब शोध अनुसंधान का कार्य केवल ज्ञान प्राप्ति हेतु या ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य हेतु किया जाता है तो इसे विशुद्ध शोध अथवा विशुद्ध अनुसंधान कहते हैं। विशुद्ध शोध के अंतर्गत वैज्ञानिक आधार पर किसी सिद्धांत अथवा तथ्य का प्रतिपादन किया जाता है। विशुद्ध शोध के अंतर्गत वैज्ञानिक आधार पर किसी सिद्धांत अथवा तथ्य का प्रतिपादन किया जाता है। विशुद्ध शोध में हम निम्नलिखित बातों का समावेश कर सकते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से वर्तमान सिद्धांतों का व्यापकीकरण व नए सिद्धांतों का विकास किया जाता है। विशुद्ध शोध सामाजिक समस्याओं, जटिल समस्याओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। विशुद्ध शोध व्यवहारिक समस्याओं के हल में सहायता प्रदान करता है और विशुद्ध शोध सामाजिक जीवन में पाई जाने वाली विभिन्न घटनाओं के आपसी संबंधों का पता लगाती है। विशुद्ध शोध में सामाजिक जीवन में पाई जाने वाली विभिन्न घटनाओं के आपसी संबंधों का पता लगाया जाता है। तो इस प्रकार शोध है वो दो प्रकार का होता है, जिसमें बात करें एक तो अप्लाइड रिसर्च और एक प्योर या फंडामेंटल रिसर्च। ये दो प्रकार के रिसर्च के भाग होते हैं जिनके आधार पर हम रिसर्च कार्य करते हैं। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।